बिहार के मोतिहारी में जहरीले पेय पदार्थ को पीने से मरने वालों की संख्या 33 के पार पहुंच गई है। पुलिस की ओर से घटना में लिप्त लोगों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोतिहारी की घटना पर दुख जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि राज्य में शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को शराब नहीं पीने के लिए जागरूक किया जा रहा है, गड़बड़ करने वाले लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। ऐसी घटना होने के बाद हम लोगों को भी दुख होता है कि हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। शराब पीने से नुकसान होगा ही, हमें बापू की बातों को याद करना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि लोगों ने गलत किया है, मगर फिर भी हम लोग उनके परिवार की मदद करेंगे। उनके परिवार के लोगों को सीएम रिलीफ फंड से 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। ये मुआवजा 2016 से अभी तक जहरीली शराब के कारण मारे गए लोगों के परिजनों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है कि साल 2016 से सभी जिलों में जितनी भी मौतें हुई है उनका आंकड़ा तैयार किया जाए, लिस्ट के अनुसार मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। ये तो बड़ा हमको बहुत ही बुरा लग रहा है, भीतर से बड़ी तकलीफ हो रही है कि भाई इस तरह का लोग भी कैसे पी लेता है, मर भी जाता है और इतना ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा प्रयास करने के बाद भी हो रहा है। तो हमने कहा कि अब देखिए, ये तो बड़ा दुखद है, सामान्य परिवार का लोग, गरीब गरीब तबका का लोग, कोई मान लीजिए कि शराब पी लेता है, पी करके अब घरेलू शराब के चलते मर जाता है, तो ये हमको बड़ा दुख हुआ। तो हमने एक बात कहा है, हम आपको बता रहे हैं कि अब जिस परिवार का कोई मरा उस परिवार के लोग साफ तौर पर ये बता दें कि भाई ये भाई हमारे परिवार के ये थे और कहाँ से ले लिए, पी लिए, उसके चलते मर गए। हम लोगों को भी काफी उनको तो दुख है ही, तकलीफ है, और ये भी कह दें कि हाँ साहब शराब नहीं पीना चाहिए, हम सब लोगों को प्रेरित करेंगे शराब नहीं पिए, और ये सब बात करके एक लिखित तौर पर भेज देगा डीएम के यहाँ। तो हमने ये तय कर दिया, ये लोग एक एक चीज का, जिसका भी डेथ हुआ है सब तो देख ही रहे ना भाई, तो एक एक चीज को देख लेंगे और कौन गड़बड़ किया है जिसके चलते उसका डेथ हुआ, ये सब चीज तो कर ही रहे, लेकिन परिवार भी अपना बता दे और वो कह दे कि साहब हम लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और जहरीला शराब पिए हैं, ये दुख की बात है और हम लोग भी प्रेरित लोगों को करेंगे कि मत पियो। ये कहते हुए वो अपना भेज देगा कि हम लोगों को तकलीफ है, तो हम लोग बिल्कुल सरकार की तरफ से उसके परिवार को हम सोच लिए कि हम 4 लाख रुपया उसको हम मदद करेंगे, सीएम रिलीफ फंड से हम कर देंगे मदद। और अभी ही नहीं, हम शुरू से ही जितना लोग भी हुआ है जहरीले शराब से, अब वो सब उसके परिवार का लोग लिख करके देगा और लोग पकड़ा गया जो भी कहेगा उसको भी हम लोग देख ही रहे हैं और कई लोग जगह पकड़ाया ही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की हत्या पर भी बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये घटना दुखद है, प्रेस मीडिया वालों के बीच में कौन आकर खड़ा हो गया, इसकी जानकारी तो वहां के पुलिस को होनी चाहिए थी। किसी को जेल से इलाज के लिए ले जा रहे हैं या कहीं और ले जा रहे हैं, तो ऐसी घटना का होना दुखद है, इस पर एक्शन होना चाहिए। किसी को सजा देने का काम कानून और कोर्ट का है, जो भी हुआ वो गलत हुआ। पुलिस कस्टडी में जिस तरीके से कस्टडी में जो मौत हुई है सर, भाई कहीं कहीं के प्रेस वाले कर सकते हैं, बोलिए ना, आज झूठ मुठ के कह दिया कि प्रेस वाला खड़ा होके पूछ रहा था, तो कहीं प्रेस का लोग ये सब पूछेगा, ये कहीं होता है देश में, दुनिया में कहीं कोई होता है, तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से? तो वहां के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से कि आप कोई जेल में हो, उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया, ये बहुत दुखद है। इस पर तो निश्चित रूप से लोगों को एक्शन करना चाहिए। ठीक है, किसी को सजा होती है या किसी पर केस होता है, कोई जेल में है, उस पर हमको नहीं कुछ करना। हमारा ये है कि कोई भी जेल में रहेगा या कोई भी किस तरह से बाहर जाए और उसको ऐसे ही मार दे, ये तो बड़ा दुखद बात है ना? लेकिन किसी को इस तरह से रास्ते में मार, अच्छा पुलिस को तो इतना नहीं चाहिए।
अब आप जानते हैं हम लोग नहीं करवाते हैं, कोई भी जो जाता है जा करके जो है जेल में और उसको भेजा जाता है कहीं कोर्ट में या कहीं भी, तो देखता नहीं है, रहता नहीं है उसके सुरक्षा के लिए, ये तो रहना ही चाहिए, ये तो बड़ा दुखद। तो क्या लगता है? प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।